रूस के कजान शहर में ब्रिक्स समिट के तहत प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच करीब 50 मिनट तक द्विपक्षीय मुलाकात हुई। 5 साल बाद दोनों नेताओं के बीच हुई मुलाकात में प्रधानमंत्री मोदी ने शी जिनपिंग को दो टूक तरीके से याद दिलाया कि रिश्तों की बेहतरी के लिए सीमा पर शांति सबसे जरूरी है। दोनों नेताओं ने बुधवार को पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर गश्त और पीछे हटने के भारत चीन समझौते का समर्थन किया और विभिन्न द्विपक्षीय वार्ता तंत्रों को पुनर्जीवित करने के निर्देश जारी किए। दरअसल साल 2020 में गलवान झड़प के बाद दोनों नेताओं के बीच ये पहली द्विपक्षीय बैठक हुई। इसमें दोनों नेताओं ने सीमा पर शांति और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने को कहा। द्विपक्षीय वार्ता के पहले शी जिनपिंग पीएम मोदी के साथ चहलकदमी करते दिखे। उनके साथ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी थे। लेकिन सवाल ये है कि क्या 5 साल पहले कोरोना महामारी के बीच पूर्वी लद्दाख में चुपके से अपनी सेना लाने वाले जिनपिंग नरम आखिर क्यों पड़े? आखिर वो कौन सी मजबूरियां हैं जिसने चीन को भारत की तरफ दोबारा देखने को मजबूर कर दिया? सवाल ये कि चीन को 5 साल बाद भारत से रिश्ते सुधारने की याद क्यों आई? और आपको बता दें कि साल 2020 में गलवान घाटी संघर्ष के बाद चीन ने एक तरफ भारत को चौंकाया तो दूसरी तरफ उससे जुड़े खतरे को लेकर चेताया। इसके बाद भारत ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अपनी तैयारियों को इस दौरान पुख्ता किया और चीन को झुकने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन अब दोनों देश अपने रिश्तों पर जमी बर्फ पिघलाने की ओर आगे बढ़ गए हैं। आखिरी बार पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच औपचारिक बैठक अक्टूबर 2019 में तमिलनाडु के ऐतिहासिक शहर महाबलीपुरम में हुई थी और अब रूस के कजान में दोनों देशों के मुखिया मिले। प्रधानमंत्री मोदी ने बता दिया कि हिंदुस्तान की ताकत क्या है। पिछले 5 वर्षों में अगर देखा जाए तो पीएम मोदी ने दुनिया भर में देश का लोहा मनवाया है। एक तरफ शी जिनपिंग थे जिनकी कोविड काल में बहुत आलोचना हुई, दूसरी तरफ पीएम मोदी थे जिन्होंने न सिर्फ भारत में कोविड के खिलाफ मुहिम छेड़ी, कई देशों को मदद तक पहुंचाई। एक चीन था जो गलवान घाटी में कोविड के दौरान भी साजिशें रच रहा था, दूसरी ओर भारत था जो लोगों के जीवन को बचा रहा था। अगर चीन के नरम पड़ने के पीछे हम उन 5 मजबूरियों को देखें या ये कहें कि 5 कारणों को देखें तो उसमें सबसे पहले नंबर पर आता है धीमा पड़ती विकास दर। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप के उस वादे का डर जिसमें चीन के माल पर 60% टैरिफ लगाना शामिल है। तीसरा कारण है ट्रंप राष्ट्रपति बनते हैं तो इस फैसले से चीन में पहले से ही बढ़ चुकी बेरोजगारी बेकाबू हो सकती है। चौथा, जिनपिंग के तमाम कोशिशों के बावजूद डॉलर के मुकाबले युआन को दुनिया ने स्वीकार नहीं किया। और पांचवा कारण ये कि दक्षिण चीन सागर में रोजाना पड़ोसियों से होने वाली झड़प से उसके रिश्ते बिगड़ते जा रहे हैं। ये वो 5 वजह हैं जिसने चीन को भारत के साथ बातचीत की मेज पर बैठने को मजबूर होना पड़ा और एलएसी से सेना को पीछे हटाने का आदेश देना पड़ा है। हालांकि चीन एलएसी पर शांति बहाली के लिए भारत से बात तो कर रहा है, मगर ये वो चीन है जिसकी फितरत में धोखेबाजी है, इसलिए भारत को सतर्क रहना होगा। चीन बार बार लगातार चालाकी दिखाता रहा है मगर भारत की चतुराई के आगे मुंह की खाता रहा है। एक बार फिर से चीन ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। ये बताता है कि चीन को मालूम है कि भारत के साथ संबंधों को खराब रखना खुद उसके हित में नहीं है।